आज हम एकदम परफेक्ट वे में ठीक मलाईदार वाला हम बनाने वाले हैं खीर। तो वीडियो का आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर लेना है चावल। इसको आप ना गाइस 30 मिनट्स के लिए तो भिगो कर रख दीजिए साइड में, और ट्राई कीजिए आप चावल को बासमती ना लेके जो छोटे छोटे दाने का आता है ना, आप वो चावल लीजिए। साथ में काजू बादाम को भी मैंने भिगो कर रख दिया है। साथ में आप देखिए, आप पर यहाँ पर मैं गाइस फुल फैट मिल्क का यूज करी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। और दूध जैसे एक बार उबाल आने लगे तो आप जो चावल को भिगो कर रखे ना, इसको इस तरीके से कुछ आप मैश करके इसमें डालिए, और आपको इसको कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े देर में चलाते रहना ताकि ये एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। और फिर उसके बाद आप इसे जब चलाते रहोगे तो बहुत टाइम बाद आपको इसे देखने मिलेगा कि प्रॉपर इसमें थिकनेस आपको देखने मिलती है। और जब ये कुछ इस तरीके से हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीजें ऐड करना है। बट मैं आपको बताऊंगी, आपको शक्कर कभी भी पहले यूज नहीं करना है। दूसरी चीज आप देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बादाम काजू जिसको मैंने भिगो कर रखा था वो कट करके डाल दी, इलायची पाउडर साथ में ही, मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर और शक्कर का यूज किया एकदम लास्ट में। आप चाहो तो आप यहाँ पर केसर का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। तो आप देखिए, मैंने थोड़ा सा और येलो फूड कलर ऐड कर दिया ताकि इसका कलर थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो अभी आप देखिए, ये प्रॉपर हमारा जो खीर है ना, एकदम ठीक बनकर तैयार हो गया। तो आप भी गाइस इसे जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत यमी बनकर ये तैयार होता है। तो गाइस ऐसे कुछ वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट करके भी बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ में। बाय।